રોટી બેટી ના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો. मुझे या मेरे क्षत्रियों या मेरे समर्थकों को 2 बजे कमलम पर पहुंचने से रोका गया तो मैं आत्मविलोपन करूंगा. एक भाजपा नेता, नेता का विवादित बयान, बयान का विरोध, फिर गिरफ्तारी, उसके बाद मचा बवाल. कुछ इस अंदाज में गुजरात में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. 22 मार्च की तारीख मंच पर केंद्रीय मंत्री और गुजरात के राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला भाषण दे रहे थे. केंद्र सरकार की नीतियों को गिनाने के बीच वो कुछ ऐसा कह गए कि क्षत्रिय समाज बागी हो गया. उनके विरोध में क्षत्रिय समाज के लोग सड़कों पर उतर आए. क्या महिला क्या पुरुष, सभी ने विरोध करना शुरू कर दिया. पुरुषोत्तम रूपाला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि एक समाज के लोग बागी हो गए, सब बताएंगे. लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, ललन टॉप की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है. अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव या शहर में आए तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर इस सीट को बनाते हैं खास. बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lalantop.com पर मेल कीजिए. सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना मत भूलिएगा. साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर भरे. सूचना समाप्त. अब वापस आते हैं खबर पर. दरअसल गुजरात के राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने जनसभा में कहा कि तत्कालीन महाराजाओं ने विदेशी शासकों के सामने घुटने टेक दिए थे. यही नहीं, इन महाराजाओं ने इन शासकों के साथ रोटी भी तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी भी उनसे कर दी. इस बयान के बाद राजपूत समुदाय ने इसकी कड़ी निंदा की. साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार से राजकोट से प्रत्याशी बदलने की मांग की. प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में कुछ रजवाड़े भी आए. क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने भी ट्वीट करके अपना पक्ष रखा. भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री द्वारा जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने एक आयोजन में, कार्यक्रम में निम्न स्तर की टिप्पणी की है हमारे क्षत्रिय समाज को लेकर, हमारी मातृशक्तियों को लेकर, हमारी छत्राणियों को लेकर. और वो व्यक्ति राजकोट लोकसभा के भावी उम्मीदवार भी है. गुजरात का संपूर्ण क्षत्रिय आक्रोशित है. उसके पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी की आला कमान द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. राज शेखावत ने आगे कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला की इस टिप्पणी का जवाब दिया जाएगा. शेखावत ने अपने एक ट्वीट में कहा कि सभी क्षत्रिय और समर्थक अब निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं. हम जल्द ही एक सम्मेलन करेंगे, अब सिर्फ आर या पार की बात होगी. शेखावत ने लोगों से अपील की कि 9 अप्रैल 2024 को दोपहर 2 बजे सभी क्षत्रिय और हमारे समर्थक निर्णायक लड़ाई के लिए केसरिया झंडे और लाठियों के साथ गांधीनगर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय यानी कमलम पहुंचे. 9 अप्रैल को प्रदर्शन के लिए राज शेखावत गांधीनगर पहुंचे थे. उनके समर्थन में लोग भी आए थे, लेकिन राज शेखावत को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के दौरान की एक क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई. इस क्लिप को शेयर करते हुए शेखावत ने ट्वीट किया कि पगड़ी केवल राज शेखावत जी की नहीं बल्कि पूरे क्षत्रिय समाज की उतरी है, इसका जवाब मिलेगा. हालांकि इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री ने जो है अपने बयान पर माफी मांग ली है. हमारी शाब्दिक भूल थी, जो इसी के कारण ही हमने तुरंत ही माफ़ी मांगता अपना एक वीडियो भी वायरल कर दिया था. उसके बावजूद भी जब हमारे सामने दरखास्त आई क्षत्रिय समाज के कुछ नेताओं की, तो हम वहाँ जाके भी उनके बीच में भी यही दोहराया है. और हम मानते हैं कि हमारे लोग और क्षत्रिय समाज के लोग इसमें बातचीत करके इसका हल निकाल लेंगे. मंत्री जी की माफ़ी क्षत्रिय समाज के लोगों को मंजूर नहीं है. लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए. नहीं, वो तो राजकीय सम्मेलन था और उधर राजकीय लेवल से ही उन्हें पूरा कर दिया और हमारा पूरा
समाज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई एक जहीरा सिपाही को ये नहीं बोल सकते। और जो भी उधर 5-10 जो जने थे उन्होंने यहाँ पे शुरुआत कराई है, अभी तो हमारा विरोध और बढ़ेगा। क्षत्रिय समाज के लोग राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बीजेपी आला कमान डैमेज कंट्रोल में लगा है। इस मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं, आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।